हम अपनी बीजेपी सरकार से और हमारे जो बैडम साहब हैं नगर के विधायक, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पैसा दिलवाया जाए या हमारा सामान दिलवाया जाए, अन्यथा हम ऐसे घर पे नहीं बैठेंगे जैसे अब तक हम चुप बैठे हैं। आओ कभी 15 को आओ, कभी 2 को आओ, कभी 4 को आओ, कहाँ तक आश्वासन देते रहेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ अब हम इनकी कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस को दरखास्त देंगे। अच्छा हाँ जी, तो इसके अलावा तो अब और क्या हो सका है हमारे पे, जब वो आँ सामने तो हम तो उनसे गुथेंगे भी। अच्छा हाँ दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है नीमला गांव में, जहाँ शादियों की अर्जी लग रही थी और काफ़ी दिनों से अर्जियों का सामान उठना बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि लोगों का आश्वासन जो दे रखा था उस आश्वासन पर अभी तक वो लोग खड़े नहीं उतरे हैं। जो भी आश्वासन दे रहे थे वो सारे के सारे अब तक झूठे निकले हैं। यहाँ हमारे साथ लोगों की भीड़ जमी हुई है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों जमा हुए और अब ये क्या फैसला लेने वाले हैं। यहाँ जो भी हमारे साथ, हम हर एक से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी जनाब, मैं शकील मेम्बर गाँव नएदा से हूँ और मैं अल्पसंख्यक का मोर्चा बीजेपी का अध्यक्ष हूँ पुनाना ब्लॉक से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नीमला गांव में हुआ है वो सरासर गलत चल रहा है। फिलहाल मैं उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे भाई आवें सामने और सामने अपनी बात को रखें और गरीब आदमियों को उनका सामान या उनका पैसा दिया जाए, ना कि ऐसे ही ये झूठे वादे और जुमले चलते रहें। बाकी नहीं अन्यथा और लोग बेचारे कोई कैसे पैसे लेके आया है, कोई कैसे लेके आया है, मेरी यही रिक्वेस्ट है वे सामने आए। और गाँव का मौजूद सरपंच भी इस बात से सहमत नहीं है कि वो सामने आकर ये कह सके कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पैसा दिलवाऊंगा, नहीं तो अन्यथा हमें और आगे भी कोई कानून कार्रवाई करनी पड़ी तो हम आगे भी करेंगे। और इसी तरह से हम ऐसी वो नहीं देखना चाहते झूठे वादे और झूठे जुमले। वो आके हमें अपने सामान दें और आगे हमको बताएं कि कब तक क्या करना है। अच्छा ये बताइए, आप कितनी दफ़ा यहाँ पर आ गए? मैं यहाँ पे 8-9 बार आ चुका हूँ, जो कि मेरे गांव इधर से 70-80 किलोमीटर पड़ता है। कितने आपके गांव से कितनी शादियों की अर्जी यहाँ लगी हुई है? मेरे उधर से फिलहाल यहाँ से 8-10 अर्जियों की वो लगी पड़ी है और जिनमें एक भी सामान अभी तक नहीं दिया गया है। अच्छा, जो आपकी अर्जियाँ हैं वो लगभग जो अर्जियाँ की शादियों की जो तारीख मिली हुई है कब तक की है? उनमें से बाकी जो शादियां हैं, 5 शादियां तो हो चुकी हैं, बाकी 3 शादियां ऐसी हैं जिनकी अर्जी में अभी तारीख 13 या 14 है, जो रमजान के बाद की है। अच्छा। तो मैं ये दरखास्त करूंगा कि उनके लिए उनका पैसा दिया जाए या उनका सामान दिया जाए। अच्छा, जब भी आप यहां आते हैं आपको क्या आश्वासन यहां से मिलता है? हमको यही आश्वासन मिलता है कि 1-2 दिन में देंगे भाई, 1-2 दिन में हो रहा है। अच्छा। तो हर बार ऐसे ही झूठे वादे किए जाते हैं। जिन लोगों के बीच में आपने पैसे भरे हैं वो आपसे मिल पाए हैं या नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई लोग नहीं मिल पाता। मैं ननदेरा गांव में गया था, वहां पे याया की मम्मी मिलती है, वो यही कहती है कि जब तक मेरा लड़का मेरे सामने नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा। वो भी ऐसे ही झूठे वादे और जुमले करके हमको वहां से भेज देती है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर आपका यदि पैसा नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम अगला कदम यही करेंगे, हम अपनी बीजेपी सरकार से और हमारे जो बैडम साहब हैं नगर के विधायक, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पैसा दिलवाया जाए या हमारा सामान दिलवाया जाए, तो हम ऐसे घर पे नहीं बैठेंगे जैसे अब तक हम चुप बैठे हैं। ये रमजान का महीना है इस वजह से चुप हैं हम। बताइए ना, आपने पैसे भरे थे, बताइए। मैं जिन्नू हूँ, हल्का ढेंकली से हूँ। अच्छा। मैं यहाँ अपनी लड़की के पैसे जमा करके अच्छा। गया था। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक छोटी सी दुकान है जी। अच्छा, तो आपने अपनी लड़कियों के जो पैसे भरे हैं, कितनी लड़कियों की शादी? एक लड़की की शादी। कितना पैसा आपने यहाँ भरे थे? मैंने 142 भरे थे। 142 भरे। आपकी शादी की तारीख कब की है? शादी है जी मेरी 5 महीने पहली तारीख। 5 महीने पहली तारीख। अब तक कोई सामान? कोई सामान नहीं। अच्छा, जो अब तक जो आपके गाँव में इधर उधर जो शादियाँ हुई है? हमारे गाँव में अभी 2-4 शादी हुई है जी। तो पहले भी मेरी एक भतीजी की शादी हुई थी, तो उसके बाद में यानी के 4 शादियाँ बरकरार हैं, 4 अर्जी लगी हुई है हमारे गांव की यहाँ। अच्छा, अब जो आप यहाँ आते हैं और यहाँ से आप खाली हाथ? भाई ये आश्वासन मिलता है, हाँ मिलेगा, मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ। अच्छा, तो मुझे तो ये आश्वासन मिलता है कभी 2-4 दिन और रुक जाओ। अच्छा। कभी 2 तारीख दे देते हैं, कभी 11 तारीख दे देते हैं, कभी 18 तारीख दे देते हैं, यही चलती रही है। फिर हमने तो यही सोचा हो सकता है भाई उनके ऊपर भी कोई परेशानी हो, जब वो आ जाएंगे तो सामान मिल जाएगा। अभी अच्छा। यहाँ तक अब सुनाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी फकरू है। फकरू, आप कहाँ के रहने वाले? मैं छारोड़ा से हूँ। छारोड़ा से। मैंने 2 लड़के इनका पैसा जमा करा। कितने पैसे जमा किए? 2,82,000। काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ।
मजदूरी काम करते हैं और आपने 2,82,000 रुपए भरे हैं जी। अभी तक आपको सामान कुछ भी नहीं मिला जी मेरे को। क्या आश्वासन देते हैं लोग? बोलते हैं कि मिलेगा एक दो दिन करते हैं। यदि आपका कोई सामान नहीं मिलता है तो आप पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? यही गुहार लगाएंगे साहब, हमारा इंसाफ कराया जाए, सामान मिले या हमारा कदम रहेगा आपका भाई? अब कदम क्या है हम पे, तो कोई ऐसा बात तो है नहीं भाई। गलत तो हमें क्या सोचें भाई, ये एक बार हमारा सामान मिल जाए या हमारा पैसा मिल जाए। 13 तारीख की शादी है, 4th महीना में बासी ईद की। अच्छा, आपने किसके बीच में के पैसे भरे हैं जी? यहाँ मुल्ला है, एक मुल्ला नाम का है। अच्छा, नीमला का ही, उसके बीच में के भरा। आपके पैसे भरने के बाद बात हुई है? हाँ, बात होती है उससे अभी भी। होती है? हाँ अभी होती है। क्या आश्वासन देता है? बोलता उसने 20 तारीख की कहा भाई, 20 तारीख को तेरे को कुछ न कुछ हम संशोधन करेंगे। उसके तो कितनी मरतबा आपसे बोल दिया है कि आपको जो तारीख पे तारीख मिल रही है? कम से कम 5-10 बार। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुकम सिंह सैनी। कहाँ से आप? गांव बेला। अच्छा, आपकी भी यहाँ से अर्जी लगी? हाँ। कितने लड़कियों की? एक लड़की की। अच्छा, जिसमें 4 तारीख की शादी थी, 4/3/2024। अच्छा, सामान मिल गया है। अच्छा, बाकी और मोटरसाइकिल जैसे कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं। तो फिर आपने जो यहाँ आते हैं तो ये लोग क्या आश्वासन देते हैं? ये कहते हैं कि भाई 20 तारीख को आओ, कभी 15 को आओ, कभी 2 को आओ, कभी 4 को आओ। अच्छा, कहाँ तक आश्वासन देते रहेंगे? तो फिर अगर ये सामान अगर नहीं दिलता है तो फिर आप रिपोर्ट करेंगे? अच्छा हाँ। अब तक कितनी लोगों ने FIR कर दिया आपको? अब ये पता नहीं है। नहीं पता? आप लोगों ने अभी तक नहीं, नहीं की? अगर नहीं दिलवाया तो करेंगे? करेंगे। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? इसराइल है। इसराइल, आप कहाँ से? रायपुर से जी। आपने कितनी लड़कियों की शादी की अर्जी लगी हुई है? हमारे गांव से कम 6-7 लड़कियों की अर्जी लगी हुई है। अच्छा, और हम ही कई बार आ चुके हैं जी, और बस यही यहाँ से चले जाते हैं। मतलब जब यही आश्वासन मिलता है कब कब वह तारीख को आ रहे हैं, 20 को आ रहे हैं या 18 को आ रहे हैं जी। अब आज भी आए तो आज 21 की वो बता रहे हैं, कल बता रहे थे को 20 मांगे। अच्छा, अगर यदि ये सामान नहीं दिलवाते हैं तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? ये कदम रहेगा, हम इनकी कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस को दरखास्त देंगे। अच्छा हाँ जी। तो इसके अलावा? इसके अलावा तो अब और क्या हो सका है हमारे पे? जब वो वहाँ सामने तो हम तो उनसे गुथेंगे भी। अच्छा हाँ, फिर यहाँ से इनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर यदि इनका यहाँ से सामान नहीं मिलता है फिर इनका अगला कदम क्या रहेगा, ये इनसे हम पूछेंगे जी। हमारा अगला कदम ये रहेगा कि जो हमारे नगर से विधायक है मैडम साहब, हम उनके पास भी जाएंगे, IG के भी पास जाएंगे, DIG के भी पास जाएंगे। हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कहीं भी छुप लें, कहीं भी दुबक जाएं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारा पैसा या हमारा सामान हमें मिलना चाहिए, और हमें आगे भी BJP सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हमको न्याय दिलाए और इनको मकानों को इनके ऊपर बिल्डोजर वगैरह चलाए जाए, अगर सामने नहीं आते हैं तो इनकी जो भी संपत्ति है वो सब हड़पी जाए, और हम आगे चल के अपने जो भी हमारे BJP कार्यकर्ता है, हमारी जो मीटिंग होती है, हम सब में यही बात रखेंगे। जो हमारी विधायक है बहन नोकचम चौधरी, हम उनसे जाके भी यही गुहार लगाएंगे कि हमको न्याय दिलाया जाए, हमारा पैसा दिलाया जाए गरीब आदमी को। ये बात जो आप कह रहे हैं सबकी तरफ से कह रहे हैं, ये सब आप जो इसने कहा उस पर सभी सब आप कार्रवाई चाहते हैं? अगर यदि ठीक है दोस्तों, आपने इनकी सबकी बातें सुनी, सबका सिर्फ एक ही कहना है, यदि अगर हमारे यहाँ से सामान वगैरह नहीं मिलता है तो सब लोग एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ के जो नगर के विधायक हैं जवाहर सिंह बेडम साहब, उससे भी अपील करते हैं कि अगर हमारा सामान नहीं मिलता है तो हमारी BJP सरकार से अपील है, और कामा विधायक नोकचम चौधरी से भी अपील है कि हमारी जो यहाँ अर्जी लगी हुई है उनका पैसा वापस मिलना चाहिए और उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ पल पल मीडिया के साथ।